सोनाली श्रीवास्तव, खबरवाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कुंदन सिंह की, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करते हैं। कुंदन जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खबरवाला.news देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी कुंदन सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कुंदन जी, आपने बॉलीवुड में एंट्री कब की? यू माने सोनाली की, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पटना बिहार से, बाय बर्थ मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई में शुरू से कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। और कितने लोग सवाल मेरे से करते हैं कि बचपन से, जैसे आप फिल्म लाइन में आए हो तो बचपन से फिल्मी स्वभाव के हो, या फिल्मों में बचपन से आने का आपका इरादा था क्या? तो मैं आपको बता दूं, ना तो मुझे पढ़ाई में उतना मन लगता था, ना फिल्मी चीज़ों में मन लगती थी। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मेरी एक इमेज समाज में कुछ अलग हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये फाइनल नहीं किया था कि मुझे एक्टर ही बनना है। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं छत्तीसगढ़ यहाँ रायपुर आया। रायपुर आने के बाद काफी जद्दोजहद के बीच मैं पहले तो ऐसी नॉर्मल लाइफ मेरी चलती रही यहाँ पे, लेकिन बीच में ही मैंने देखा अखबारों का टुकड़ा पढ़ना, ये वो करके मुझे लगा कि ये नाटक का जो होता है जस का, वो धीरे धीरे लगना शुरू हो गया कि मुझे नाटक से जोड़ना है। अब जोड़ना है तो किन लोगों से जोड़ना है, कैसे होगा, मुझे मालूम ही नहीं थी चीजें। तो बाय लक लकी भैया लकी सुंदरानी जी हैं, सुंदरानी वीडियोस के ओनर हैं, उन तक मैं पहुंचा। तो उनके पास जाने के बाद मुझे ये अपने रायपुर से ही है निशांत उपाध्याय, यहाँ से आएगा, हाँ करते, रायपुर से ही है निशांत उपाध्याय जी, जिन्होंने मुझे संजय मैथिल जी, जो यहाँ के मझे हुए रंगमंच के निर्देशक हैं, उनसे मिलवाया मुझे। उनके संपर्क में आने के बाद नाटक का रिहर्सल वगैरह, रियाज जो होती है, जो एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, वो होना शुरू हो गया। कहते कहते हमारी पहली नाटक थी मुखौटा। मुखौटा नाटक में मुझे छोटा सा ब्रेक मिला था, छोटा सा रोल मिला था मुझे, लेकिन मीडिया वालों ने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। मैं चार पांच उसको शांत रखो, तो मीडिया वालों ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। तो ग्रुप में मैं चार पांच लोगों के साथ फोटो आ गई मेरी और नाम भी आया। तो वो जो डाइवर्ट होता ना माइंड की, अब मुझे इससे बेहतर करना है, अब यही मेरी कैरियर हो गई। मैं जो सोच रहा था कि मुझे अलग कुछ करना है, शायद ये वही चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। तो वहां से एक्टर बनने की जो चाहत होती है ना पैदा। तो आपने छत्तीसगढ़ में भी काम किया हुआ है इस फील्ड पे, और एज अ बॉलीवुड एक्टर आपने जब एंट्री की, अभी फिलहाल आप मुंबई में रह रहे हैं, वहाँ आपने कैसे करियर की स्टार्ट, मतलब कहाँ कहाँ आपने काम किया स्टार्टिंग दौर पे? शुरुआती, चूंकि मैंने बताया था कि शुरुआती तौर पे ही मीडिया वालों का विशेष आशीर्वाद या हाथ रहा है मेरे ऊपर। तो वो जो चीजें हुई थी ना नाटक के दौरान, मीडिया वालों ने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया। तो मीडिया के साथ साथ वहाँ के जो यहाँ के जो लोकल फिल्म मेकर थे, उनका भी ध्यान आया मेरे ऊपर। और कुछ ऐसे शुरुआत के दौर में प्रकाश अवस्थी जी के साथ कई फिल्में किया यहाँ पे, राजेश अवस्थी जी जो यहाँ के दिग्गज अभिनेता है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर एक वक्त आया जो मुझे लगा कि अब मुझे इससे बड़ा कुछ करना है। तो चूंकि एज अ ह्यूमन हर इंसान की चाहत होती कि आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, ऊपर कैसे जाना है, उसके पीछे लग गया। तो साल 2016 के आसपास की बात है, मैं बॉम्बे गया। वहाँ मुंबई चूंकि बिल्कुल अनजान शहर और उसके बारे में सिर्फ सुना था, बॉम्बे जाना आसान है, टिक पाना मुश्किल है, इतनी लाइनें माइंड में चलती थी कि बॉम्बे जाना आसान है, टिक पाना मुश्किल है। तो वहाँ गया तो जाके जो जिंदगी की वास्तविकता थी ना, जो काले पीले नीले रोशनियां होती है, वो मुझे बॉम्बे में जाके दिखी। जिंदगी की सार्थकता मुझे वही जाके मालूम चली कि बॉम्बे एक्चुअल में है क्या ये शहर। अचानक से ब्लैक नाइट, लगभग एक साल तक मैं ना कुछ समझ पाया है ना कुछ, मतलब मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी जिसको मैंने कभी लाइफ में महसूस ही नहीं किया था। ये हो क्या रहा है, भाई क्यों हो रहा है ऐसा, मेरी जगह कोई और बंदा रहता तो शायद वो वापस आया था। मैं भी एक पड़ाव पे सोच रखा था कि अब मुझे वापस आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों एक पॉजिटिविटी, जितना दर्द मिलता है लाइफ में उतना ही मैं मजबूत हो जाता हूँ। शायद यही एक पॉजिटिविटी है कि मुझे बॉम्बे में टिकाए रखा, और आज जो भी हूँ, बहुत बड़ी चीज या तोप नहीं कहूंगा मैं, आप लोग हो या फिर ऑडियंस में दर्शक है, मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं लकी हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को एक साधारण इंसान ही समझता हूँ। तो ये सारी चीजों का सामना करते करते आज मैं यहाँ हूँ।
आपका इस दौर पे बहुत ही कठिनाइयों का सफर रहा, तो इस बीच में आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ, या फिर इससे मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपके यहाँ रिलेटिव रहे हैं जिनका आपको सपोर्ट रहा हो? जी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो दौर चल रही है अभी, उसमें फिल्म के, जैसे फिल्मी सितारे हैं, उनके ही जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, लॉन्च होते हैं। लेकिन हम जैसे, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो बॉम्बे शहर जाते हैं, वहाँ का एक तकरीबन एक आंकड़ा है, प्रतिदिन 10,000 लोग जाते हैं वहाँ फिल्म लाइन में अपना कैरियर आज में कैरियर आजमाने के लिए। तो हम जैसे जहाँ फिल्मी सितारे ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश हैं, जिनका फिल्म बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, उस कंडीशन में हम जैसे साधारण से शहर से बिलोंग करने वाले लड़कों के लिए कोई जगह नहीं होती। उस कंडीशन में खुद से लड़के, हालात से लड़के वहां पे अपनी एक पहचान बनाना, अपना जगह बनाना अपने आप पे बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीजें अगर बनी है तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऊपर वाले का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका साथ है। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना होता है कि जो भी चीजें होती है उनके लाइफ में, बोलते हैं कि मैंने अपने मेहनत के दम पे हासिल किया। मैं इस मामले में एक साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, कोई भी इंसान हो, एक सफल इंसान के पीछे लाखों लोगों का साथ और हाथ होता है, उनकी दुआएं उनके साथ होती है, तो एक साधारण इंसान एक सफल इंसान की श्रेणी में आ पाता है। अगर हम कहते हैं कि हमने अपने मेहनत के दम पे ये चीजों को हासिल किया है तो ये गलत है, क्योंकि मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, ठेला वाला भी करता है, और ऐसे कई सारे लोग करते हैं मेहनत। लेकिन कोई इंसान बड़ा तभी बन पाता है जब उनके पीछे लाखों लोगों की दुआ होती है और लाखों लोगों का साथ होता है, उसके साथ उसकी मेहनत होती है उस इंसान की। सर, आपने मुंबई में आप कितने सालों से हैं? और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, 2016, तो शायद ये मेरा तीसरा साल है, और इन 3 सालों में जो चीज मैंने पाया उससे मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ। हालांकि बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसा कि आपको मैं बता दूं, अभी हाल में आपके ही चैनल का मैं ब्रांड प्रमोटर बना हूँ 6 अक्टूबर को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक न्यूज चैनल है, उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उसी चैनल का मैं महाराष्ट्र का जोनल हेड भी हूँ, संस्कार भारती संस्था है उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, एंटी करप्शन का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, नेशनल करप्शन कंट्रोल है उसका मैं महाराष्ट्र का सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत छोटी सी, अभी मैं शुरुआत, अभी मेरी शुरुआत है, अभी मैं बहुत कुछ सीखना है, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां, उनको दूर करना है। और आपके चैनल के डायरेक्टर साहब है गंगेश द्विवेदी जी, उनका भी काफी शुरुआत के दौर से लेके अब तक काफी साथ रहा है, हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं जैसे बड़े भाई के जैसा। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका साथ मेरे साथ रहा है। हाल ही में आप खबर वाला के नेशनल ब्रांड प्रमोटर बने हैं, इस पर आपकी क्या राय है और आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जी, तैयारियां क्या है ना, युद्ध स्तर पे हो चुकी है, और इसका एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हम लोग आगाज करने वाले हैं। आपको बता दूं सोनाली जी कि ये खबर वाला तकरीबन 1 साल पहले रायपुर में लॉन्च हुई, और बड़ी बात यह है कि 1 साल के अंदर ही इसके 100 से अधिक संवाददाता, जो कि 27 अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे चैनल के डायरेक्टर साहब हैं गंगेश द्विवेदी जी और एडिटर महोदया वर्षा द्विवेदी जी, उन लोगों के साथ हमारी कल मीटिंग हुई, तो उसपे भविष्य की योजनाएं, भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, उस पर काफी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया। तो अभी एक प्लस पॉइंट ये है कि बॉम्बे की जो, मुंबई की जो ग्लैमर वर्ल्ड की फिल्मी चीजें, जो आप दर्शकों को बता दूं, खबर वाला न्यूज के माध्यम से आप लोगों को मुंबई की जो बॉलीवुड ग्लैमर वर्ल्ड की खबरें हैं वो आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी। तो लगातार हमारे खबर वाला चैनल के साथ जुड़े रहिए बॉलीवुड की नए अपडेट के लिए। मतलब खबर वाला न्यूज को भी आप ऊपर मतलब बॉलीवुड तक पहुंचाएंगे, मुंबई तक? बिल्कुल, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। और ये अभी 1 साल के अंदर जब छत्तीसगढ़ के अलग 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 जिलों में इसने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, तो नो डाउट बॉम्बे में भी ये बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाली है खबर वाला डॉट न्यूज। तो सर, आप ये बताइए कि बॉलीवुड में आपने मुंबई में अभी कौन कौन से मतलब बतौर एक्टर आपने कहाँ कहाँ काम किया है, किस? हाँ, टीवी शो तो मैंने कई सारे किए हैं, लेकिन उसमें कुछ जो ऐसे हैं जो काफी मेरी लाइफ को चेंज किया, उन सारी चीजों का मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगा। जैसे अशोका है जो कलर्स पे टेलीकास्ट हुई थी, स्टार प्लस का शो किया था मैंने तेरे शहर में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम पेट्रोल, DD1 का रणभेरी, सावधान इंडिया, अशोका
अभी करंट में मैं एक टीवी शो कर रहा हूँ दूरदर्शन पे आने वाली। आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप जरूर देखिए मुझे उसमें यतीन नाम के कैरेक्टर के यतीन नाम के किरदार के साथ, जो कि एक शुरुआत के दौर में वो फिरंगी फौज में रहता है, फिरंगी सरकार की फौज में रहता है, बाकी इस्लाम को फिर से लेते हैं। मुंबई में आपने अभी तक बॉलीवुड में क्या क्या काम किया है? स्टार्टिंग फेज आपका कैसा रहा? स्टार्टिंग फेज तो आपको मैंने बताया है कि किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे जिंदगी के पड़ाव हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, और उसी दरमियान कुछ ऐसे सोच भी हैं जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दी। उनमें से एक दो का नाम मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जैसे कलर्स पे प्रसारित होने वाली टीवी शो अशोका, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तेरे शहर में स्टार प्लस क्लिक किया था मैंने, और अभी हाल में ही मैं एक टीवी शो कर रहा हूँ लाल रेखा, उसमें मेरा किरदार यतीन नाम का है, जो एक फिरंगी सरकार का वो गुलाम होता है, नौकर होता है, सिपाही होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उसको बाद में एहसास होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, भारत का रहने वाला हूँ, अपने देशवासियों के लिए कुछ ना करके मैं फिरंगियों के लिए क्यों कर रहा हूँ। तो उसका जब दिमाग घूमता है तो बाद में आके क्रांतिकारी बन जाता है और देश की सेवा में लग जाता है। तो ये जल्द ही डीडी नेशनल पे आने वाला ये शो है लाल रेखा, आप लोग सब याद कर लीजिए नाम लाल रेखा, इसको जरूर देखिएगा मुझे यतीन के किरदार में। और दूसरी बात है कि एक फिल्म कर रहा हूँ, हिंदी फीचर फिल्म है, जिसका नाम है हाँ करप्ट पॉलिटिक्स, जिसमें मैं विलेन के बेटे का रोल कर रहा हूँ। तो इसके निर्माता हैं चंदन कुमार जी, जो बिहार के रहने वाले हैं, और इसमें मुख्य भूमिका में है मोहन कुमार, वो भी बिहार से ही हैं, अच्छे एक्टर हैं। इसके अलावा सपोर्ट में अली खान जी हैं, अनंत जोग जी हैं, और ऐसे कई सारे मशहूर एक्टर हैं जो हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक अमिट अमिट छाप, सॉरी, ऐसे ही कई सारे ऐसे फिल्मी नाम हैं जो कि बॉलीवुड में एक अपनी पहचान बना चुके हैं। और इसके एक चीज और बताऊंगा, इसके म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन जी हैं, समीर सेन, दिलीप सेन जी का नाम आपने सुना होगा, और सिंगर्स भी अच्छे हैं जैसे शाहिद माल्या हैं, ऐसे कई सारे सिंगर्स हैं उसमें, उस फिल्म में अपनी आवाज दिया उन्होंने। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जो इसी मंथ अगले महीने से शूटिंग होने वाली है उत्तर प्रदेश और रांची में। तो आप दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि मेरी इस फिल्म को जरूर देखिएगा, नाम याद रख लीजिए करप्ट पॉलिटिक्स। दर्शक हैं हमारे चैनल के दर्शक हैं, उन सबसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद हमारे चैनल और मेरे, आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई कुंदन सिंह के ऊपर हमेशा बनाए रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे हमारे बॉलीवुड एक्टर कुंदन सिंह, जिनसे आज हमने खास मुलाकात की। बने रहिए खबर वाला के साथ। जय जोहार। जय जोहार।